वेलकम टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ। मैं हूं आपकी होस्ट चांदनी। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद वसीम जी। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्पेशलिस्ट हूं। मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल मेहंदीपट्टनम पे अवेलेबल रहता हूं। हमारे हॉस्पिटल में सब सहूलत है, जैसे कि आईसीयू बोलिए आप या फिर लंग्स को रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट है, हमारे पास बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा होता है। अगर लंग कैंसर हुआ तो कौन सी स्टेज में आप ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं उनको? देखिए, लंग कैंसर का बेसिकली 4 स्टेज होते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेज 1 सबसे ईजिएस्ट टू ट्रीट है। अगर स्टेज 1 में अगर कोई पेशेंट आ रहा है, अगर हम वक्त पे डायग्नोसिस कर सके एंड पेशेंट समझ के अगर सर्जरी करा लिया, तो बहुत ज़्यादा 95% चांसेस क्योर के है, नॉट 100 अगेन, 95% 98%। अगर स्टेज 2 में आए हैं तो फिर भी सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी या रेडिएशन दे सकते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 में सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं एंड रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज कैंसर ही क्यूरेबल है, अगर बोल सकते हैं अपन आसानी अल्फाज में अगर बोलना है तो। स्टेज 1 कैंसर जो है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिए तो उसका इलाज बेशक हो सकता है। अगर अर्ली स्टेज में 4 स्टेजेस रहते करके आप बोले थे, जो हमें फर्स्ट स्टेज करके कैसा सिम्टम हमको पता चलेगा? ये अच्छी चीज़ है, बहुत मुश्किल है सुनने के लिए। बहुत अच्छा है कि स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 1 में जब कैंसर है आप ट्रीटमेंट करा लीजिए बोल के, बट मालूम कैसा होता, यू नेवर नो अंटिल इट इज़ टू लेट। जब तक सिम्टम्स नहीं रहते जी, यूजुअली स्टेज 1 कैंसर में कुछ सिम्टम्स नहीं रहते। बहुत कम लोग हैं जो स्टेज 1 में आते हैं अक्सर, एंड जब भी पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को या कोई भी बॉडी में जिसमें में कहीं भी कैंसर हो, सबसे वेग सिम्टम्स रहते, जैसे कि वेट लॉस है। तो वेट लॉस तो समझ में भी नहीं आता कभी कभी किसी की, वेट लॉस हो रहा या फिर भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे कहा जाता है, तो मालूम भी नहीं होता कब आपकी भूख कम हो गई, कब आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया। उतने अलर्ट एंड एक्टिव कौन रहते। एक ही तरीका है, जो स्मोकर है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, एवरी ईयर चेस्ट एक्सरे करा के मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोशिश करें तो पॉसिबल है। इसके लिए लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो स्मोक करते हैं वो एवरी ईयर चेस्ट एक्सरे करा के देखें। रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम होता है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑफकोर्स रेडिएशन से भी कैंसर होता है, तो चेस्ट एक्सरे में बहुत कम रेडिएशन है, तो एवरी ईयर एनुअली चेस्ट एक्सरे करा के अगर अपन अर्ली स्टेज में देख सके, अगर पिक कर सके, तो अपन कैंसर का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। अदरवाइज जब पेशेंट आता है, यूजुअली 3rd-4th स्टेज में होता है एंड समटाइम्स 2nd स्टेज में, अपार्ट फ्रॉम जैसा मैंने कहा वेट लॉस और भूख कम होने के, अदर सिम्टम्स है खांसी, दम चढ़ना या फिर खांसने पर ब्लड आना, ये है। यूजुअली पेशेंट हमारे पास जब आता है तब उसको बहुत दिन से खांसी होती है या फिर खांसने में जब खांसते वक्त ब्लड आता है, जिसे हीमोप्टिसिस कहा जाता है, माने कि खांसते वक्त बलगम में ब्लड आना, ऐसे स्टेज में आते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स 3rd-4th स्टेज में होते हैं, उनको बचाना मुश्किल रहता। बट स्टिल मैं ऐसा कहूँगा कि आप लोग मायूस मत हुई अगर किसी को ऐसा है। ऑफकोर्स साइंस प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस डेवलप हो रहे हैं। अपन डिजीज़ को एटलीस्ट ख़त्म नहीं कर सके तो रोक तो सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छी जितनी भी आपकी ज़िंदगी है आपको अच्छी बिना तकलीफ के आराम से रह सरका भी अपन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी को स्टेज 3 स्टेज 4 लंग कैंसर आ गया, परेशान मत हो, स्टिल डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट ऑफर करने के लिए बेशक होगा, जिससे आपकी तकलीफ कम होगी या फिर कभी कभी चाहे तो कैंसर भी क्योर हो सकता है। अच्छा, ओके। आस्थमा क्या है सर? इसके कोई रीज़न? आस्थमा एक तरह की एलर्जी बीमारी है, एलर्जिक बीमारी। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट है जिनको आस्थमा रहता है उनको डस्ट एक्सपोज होने पर, तो नॉर्मल डस्ट ले लीजिए, घर का डस्ट है या फिर रोड पे आप बाहर जा रहे कुछ डस्ट आ गया, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे रूम फ्रेशनर है, परफ्यूम है, ये स्मेल करने की वजह से एक ओवर रिएक्शन कहा जा सकता है, सिंपल अल्फाज में ओवर रिएक्ट करना जिसे कहते हैं,
कभी कभी बोलते अपन आप ओवर रिएक्ट कर रहे, बल्कि वैसी अपनी एयरवेज जो है, सांस लेने की जो ये पाइप है ना, ये सांस लेने का, जिसे ट्रेकिया ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री कहा जाता है, विंड पाइप, इसमें क्या होता है, इसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, एक तरह का खिंचावट आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी, दम चढ़ना एंड वीजिंग साउंड आता है। तो ये ऐसा है, तो पेशेंट यूजुअली जो भी आस्थमेटिक रहता वो खुद आके हमको बोलता है कि सर डस्ट में जाने की वजह से मेरे को खांसी दम चढ़ना होता है। तो बहुत सारे बार पेशेंट कुछ बोलता है कि हमें आस्थमा है, बल्कि ट्रीटमेंट करना आसान है बट इसके अलावा भी स्टिल उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, किसी के बात पे नहीं, कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोल के एक टेस्ट रहता है, जो टेस्ट करने की वजह से अपन को आस्थमा है नहीं है मालूम होता है, कौन से स्टेज में है वो भी मालूम कर सकते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 कितना रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल स्टेज में है, क्या है मालूम कर सकते हैं। आस्थमा और इसिनोफिल्स में दोनों में फ़र्क क्या है सर? अच्छा, आस्थमा एंड इसिनोफिल्स में फ़र्क बोल के ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स आस्थमेटिक्स में देखा जाता है कि इयोसिनोफिल्स बढ़े हुए होते हैं, क्यों, वो तो आस्थमा खुद एक एलर्जिक कंडीशन है, तो एलर्जी में कभी भी क्या होता है, जो भी पेशेंट को एलर्जी रहती उनके ब्लड में इयोसिनोफिल बोल के ब्लड सेल्स रहते जो ये रिएक्शन को हैंडल करते, जैसा इन्फेक्शन को हैंडल करने का काम न्यूट्रोफिल्स का है, तो एलर्जी को हैंडल करने का काम या फिर इन्वॉल्व सेल इयोसिनोफिल्स है। तो अक्सर जिसको भी एलर्जी हिस्ट्री रहती है, या फिर वो सिंपल से स्किन एलर्जी हो, या फिर आस्थमा हो, या फिर नेजल एलर्जी से एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, ये सब पेशेंट्स में देखा जाता है कि इयोसिनोफिल काउंट्स बढ़े हुए होते हैं। तो ये कभी भी हो, जब जब भी कोई आस्थमेटिक या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन से आता है, हम लोग बेशक वो लोग का एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट बोल के एक टेस्ट रहता है, वो करा के चेक करते, मॉनिटर करते रेगुलरली कि कितना है उनको तकलीफ बोल के। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहम्मद वसीम जी से कंसल्ट करिए। जी, मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ, ये हॉस्पिटल मेहंदीपट्टनम में लोकेटेड है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए लंग्स के, उसके लिए आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर है 7702724142। मेरे अपॉइंटमेंट के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए आप ये फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हॉस्पिटल विजिट करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे अगले हेल्थ इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.